दोस्तों अभी आप मेरे हाथ में ये देख रहे हैं, ये है पालक। और पालक की रूट्स अपने सही तरह से नीचे की ओर जाते हुए, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये खुशी के साथ बताते हुए कि मैंने पालक जो है इसके अंदर 100% तो नहीं, हाँ कुछ परसेंट जर्मिनेशन हो चुका है, कुछ परसेंट से ज़्यादा ही, मतलब 60 या 75% जर्मिनेशन हो चुका है। बिकॉज़ ऑफ क्या था कि पहली चीज़ तो इतनी ज़्यादा ठंड, ठीक है, ठंड के कारण यहाँ पे पालक जो है जर्मिनेट नहीं हो पाया यहाँ पर। और ये देखिए कुछ कुछ पालक जो है जर्मिनेट हो पाया है यहाँ पे, कुछ ही कुछ में, यहाँ पे कुछ में हुआ है, कुछ में नहीं हुआ है, इस तरह की चीज़ें जो है यहाँ पे पालक जर्मिनेट हुआ है। बाकी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये पालक बहुत अच्छे से है, अभी कुछ कुछ ग्रोथ कर रहे हैं। बट क्या है कि अभी भी मुझे शंका इस बात की है कि देखिए हम कुछ भी करें लेकिन मौसम एक ऐसी चीज़ है जिसमें प्लांट्स को ग्रो करना हो उसके अपोजिट में वो बहुत ही कठिन होता है यहाँ पे, ठीक है गाइज। तो ये चीज़ है। बाकी आपको एक चीज़ मुझे बतानी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस वीडियो को तो अपडेट देना था, मुझे पालक का यहाँ पे इस सिस्टम के बारे में जो भी ये था यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। बट अपडेट ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे नीचे जहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन देखते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देखिएगा, मैंने अपने एक चैनल का जो है लिंक दिया है, वो चैनल है मेरा ब्लॉग का चैनल है, यानी कि मैं प्रयागराज यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है, प्रयागराज से, वहाँ पे मैंने पहला ब्लॉग बनाया था जिसमें मैंने संगम तट, जो कि अभी 14 जनवरी से माघ मेला लगना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे कुंभ लगता है, ठीक है, मकर संक्रांति से, खिचड़ी से, तो उसका मैंने कुछ थोड़ा सा एक मुआयना किया है, थोड़ा सा वहाँ पे राउंड अप किया है, और पहला ब्लॉग मैंने बनाया है अपने उस चैनल के लिए। तो आप लोग को उसका मुझे सपोर्ट करना है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का जिस तरह से प्यार इस चैनल और यहाँ पे जो भी सपोर्ट मुझे मिला वो भी आप मुझे देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे उस चैनल को देखिए और वहाँ पे जाकर के चैनल को मेरा सब्सक्राइब करिए। बस आपसे यही इतनी सी विनती और उम्मीद है। बाकी सारी अपडेट के लिए मैं मिलता हूँ, बिकॉज़ अभी आप देख रहे हैं क्योंकि मौसम बड़ा ही सुहावना, क्या बारिश कंटिन्यू हो रही है, मुझे नहीं लगता कि देखिए नीचे तो पानी है, कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा इसके अंदर, ठीक है। बट अभी है क्या चीज़ कि यहाँ पे अगर कंटिन्यू पानी बरसेगा तो पालक बहुत ही सेंसिटिव होता है, ये तुरंत गल जाएगा, क्योंकि मैंने कोई शेड नेट वगैरह नहीं लगा रखा, कुछ भी नहीं लगा रखा, ओपन में किया है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी कोई भी रनिंग वाटर मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, पहली चीज़ ये जो भी अभी ग्रो कर रहे हैं ये डायरेक्ट इसके अंदर मैंने टैप वाटर का यूज़ किया हुआ है। अभी सोचा है मैंने कि ये थोड़े से और ग्रो कर जाए, फिर इसके बाद में जो भी कर पाते हैं करते हैं, बाकी अभी रिसर्च चल रही है इस पर। बाकी की पूरी अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को, जो लोग अभी नए हैं मेरे चैनल पे वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देखिए मेरे इस जो पजिस्टर सीट होती है 3, इस पर देखिए वो वहाँ पे लौकी लगी है, ये लौकी लगी है, वहाँ लौकी, लौकी बहुत अच्छे से सुंदर से यहाँ पे ग्रो कर रही है। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे मुझे दिखाने के लिए, और ये इस तरह का सेटअप है, आप देख पा रहे होंगे। सेटअप भी अपने आप से अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा मुझे इस विषय में, तो सेटअप बहुत अच्छे से मेरा तैयार हो गया है यहाँ पर। बाकी आप जैसा चाहे वैसा करिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए अतुल को इजाज़त, और प्लीज़ जा करके चैनल को मेरा सब्सक्राइब करिए। बस इतनी सी उम्मीद है आप लोगों से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।